नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, रीट लेवल वन का, जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, आज 8 मई है और परिणाम जारी हो चुका है और अब से कुछ समय पहले, तकरीबन आधा घंटा पहले, ये परिणाम जारी हो गया है। तो दोस्तों, रीट लेवल वन का ये जो परिणाम है, इसमें वेटिंग और रिशफल दोनों के अभ्यर्थी इसमें शामिल किए गए हैं। तो दोनों ही जो परिणाम हैं, रिशफल और वेटिंग में जो चयनित हैं, सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको इस चयन के लिए। दूसरी बात ये दोस्तों, यहाँ पर जो वेटिंग का कट ऑफ है, रिशफल का कट ऑफ है, वो दोनों कट ऑफ भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपको एलिमेंट्री एजुकेशन गूगल में टाइप करना है, आप लोग भी ये चेक कर सकते हैं, education.rajasthan.gov.in, या आप एलिमेंट्री एजुकेशन भी गूगल में सर्च करेंगे तो सबसे पहले वहाँ पर आपको देख लेना है। और उसके बाद ये आपको टीचर लेवल वन रिक्रूटमेंट को ओपन कर लेना है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं, आपके सामने है ये आपकी लिस्ट है, ठीक है, रिशफल के जो कैंडिडेट हैं, सफल उनकी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये आपके वेटिंग की लिस्ट है, ठीक है, तो ये यहाँ वेटिंग देख सकते हैं, नॉन TSP। अब इसके अलावा दोस्तों जो आपका कट ऑफ है वो क्या रहा है, तो ये आपका कट ऑफ है, ये आपका वेटिंग का कट ऑफ है, ये रिशफल का कट ऑफ है। तो मैं आपको रिशफल का कट ऑफ बता देता हूँ, रिशफल का क्या कट ऑफ है। तो रिशफल का कट ऑफ है दोस्तों, जैसा अनुमान लग रहा था उससे कहीं यहाँ पर आंकड़े थोड़े से चौंकाने वाले ज़रूर हैं। तो ये कट ऑफ आपका जनरल का क्या है, आपकी जो अंतिम कट ऑफ मार्क्स है ये आपके रिशफल के, तो रिशफल की जनरल की 73.33 गई है, ठीक है, मेल और फीमेल को, और विडो और डाइवोर्स यहाँ पे आल सेलेक्ट कर ली गई हैं। डेट अगर आप देख लेंगे 3/11/1983 तक के यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं। OBC की हम बात करें तो 71.33 तक का हुआ है, डेट ऑफ बर्थ आपके सामने 10/11/1995। MBC का कट ऑफ यहाँ 70 गया है, 7/7/1992 जिनकी मेल हैं उनकी ये डेट ऑफ बर्थ उनका हो गया है। दूसरी हम बात करें फीमेल की तो 10/11/1992 तक जिनका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उनका हो गया। SC की बात करें तो 67.33, यानी कि दोस्तों एक नंबर कम हुआ है। अगर हम रिशफल की बात करें तो तकरीबन सारी कैटेगरियों में एक नंबर आप लगा सकते हैं, जो आपके सामने कट ऑफ है उसको 1.5 से आप गुना कर दीजिए, आपके सामने वो मार्क्स आ जाएंगे। तो मैंने कैलकुलेट किया है तो ये कट ऑफ आपका लगभग एक नंबर यहाँ पे कम हुआ है, 110/11 की जगह 110 पे आ गया, 108 यहाँ पर OBC का 107 पे हुआ है, SC का 102 था 101 पे हुआ है। तो इस तरीके से ये ST का आप देख सकते हैं आपके सामने, ST मेल ऑल सेलेक्ट, ठीक है, और फीमेल का मेल फीमेल का यहाँ पे दोस्तों गया है 64.66, और मैंने सोरो SC का बता दिया था, यहाँ पर विडो और डाइवोर्स का यहाँ पर ऑल सेलेक्ट की गई है, ठीक है। ये आपके स्पोर्ट्स पर्सन का भी है, तो स्पोर्ट्स पर्सन ये अभ्यर्थी सारे के सारे सिलेक्ट किए गए हैं रिशफल में ही। और LD का यहाँ पर जो विकलांग कैटेगरी है उसमें 68.66 ये कट ऑफ है। अब आपको जल्दी से दूसरा भी कट ऑफ दिखा देता हूँ, ठीक है, और ये आपका रहा कट ऑफ, आप यहाँ पे देख सकते हैं वेटिंग का कट ऑफ, ठीक है, ये वेटिंग का कट ऑफ आपके सामने है, वेटिंग का भी मैंने डाउनलोड किया हुआ था, ये आपके सामने वेटिंग का है दोस्तों। यहाँ पर 1.33 का अंतर आया है वेटिंग वाले में, 73.33 था वहाँ पर, यहाँ पर बेहतर गया है, ठीक है। OBC का 71.33 गया है और MBC का 70, MBC के रिशफल और वेटिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है, 70 वहाँ रिशफल में था और यहाँ पर भी 70 है, ठीक है। बात करें SC की तो SC का भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। इसके अलावा ST की बात करें तो यहाँ पर पॉइंटों का अंतर यहाँ पर ज़रूर आया है, 64 यहाँ पे कट ऑफ गया है, और डेट ऑफ बर्थ आपके सामने है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, इन डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो आंकड़े बिल्कुल चौंकाने वाले हैं, लगभग एक नंबर का ही यहाँ पे अंतर आया है दोनों के दोनों जो परिणाम हैं उनमें। तो आप देख सकते हैं ये रिजल्ट, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा इस रिज़ल्ट को डायरेक्ट कैसे चेक करना है। जो चयनित अभ्यर्थी हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होगा, नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो नंबर भी आप लोगों को दे दूंगा। तो दोस्तों, सभी जो चयनित हैं उनको एक बार पुनः मेरी मंगल शुभकामनाएं, बधाई। और दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। सब मैंने थोड़ी देर पहले लाइव किया था तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, इसलिए आपको ये नया वीडियो देने की मैंने कोशिश की है। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।